नमस्ते गाइस, जैन कैसे आप लोग सब। आज मैं सैटरडे बुक रिव्यू की दोबारा से शुरुआत कर रहा हूँ। पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग ये वाली सीरीज़ को शुरुआत नहीं कर रहे थे, मैं इस पे वीडियोस नहीं बना रहा था, बट मैंने देखा इन द लास्ट 1.5 ईयर्स जो मैंने पुराने वीडियोस बना रखे थे उस पे आपके काफ़ी व्यूज़ आ रहे थे एंड उस पे काफ़ी कमेंट्स भी मेरे को आए थे कि ये सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट करी जाए। तो अब जो है मैं इस सीरीज़ को आज से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ एंड कोशिश करूँगा कि हर सैटरडे एक नई बुक का रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आऊँ। आज की बुक है समवन लाइक यू बाय निकिता सिंह एंड ऑल्सो इन कोलैबोरेशन विद दर्जोय दत्ता। ये वाली जो बुक है ये निहारिका नाम की एक लड़की की कहानी है जो कि जयपुर में रहती है एंड उसके एक बड़ी सिस्टर है सिमरन जो कि उसकी सिस्टर कम उसकी फ्रेंड ज़्यादा है। इन दोनों का रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा चलता है, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से लोग शेयर करते हैं, सब कुछ है। इसके बाद क्या होता है, निहारिका जो है वो 12th पास कर लेती है एंड उसका एडमिशन नागपुर के कॉलेज में हो जाता है। बट इसी दौरान उसको अक्षत नाम का एक लड़का मिलता है, उसके साथ उसका अफेयर चलता है, बट उसको बाद में पता चलता है कि वो सिमरन का भी एक्स बॉयफ्रेंड था, तो इस वजह से वो उसको छोड़ देती है एंड सिमरन भी उसको कुछ ऐसी बातें बताती है कि जिससे उसको पता लग जाता है कि ये लड़का ठीक नहीं है। अब जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसके दो नए फ्रेंड्स बनते हैं, एक पिया नाम की लड़की बनती है एंड एक तन्मय बनता है। तन्मय जो है एक बहुत क्यूट सा कैरेक्टर है इसमें एंड काफ़ी सोफेस्टिकेटेड एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब सिंपल एंड हम्बल कैरेक्टर है इसमें तन्मय का। इसके अलावा जो पिया है वो एक अमीर घराने से आती है, बट वो भी जो है काफ़ी स्वीट है एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है एंड उसका भी जो कैरेक्टर है एज अ फ्रेंड वो बहुत बढ़िया है। इस बीच में एंट्री होती है कार्तिक नाम के एक लड़के की जो कि एक इनका सीनियर है जो कि 24 ईयर्स का है एंड वो PhD कर रहा है इनके ही कॉलेज में। अब इसके बाद जयपुर में जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था निहारिका का वो अक्षत भी जो है उसके कुछ सोर्सेज होते हैं नागपुर में, वो भी उसी कॉलेज में आ जाता है एंड वहाँ पर और कुछ लड़कों से दोस्ती कर लेता है एंड फिर बीच में ऐसा होता है कि कार्तिक और अक्षत का 36 का आंकड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये एक लव ट्रायंगल भी आप कह सकते हो कि अक्षत कार्तिक एंड निहारिका का एक लव ट्रायंगल है। इसके अलावा फ्रेंडशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे पिया एंड तन्मय का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। इस बीच में अक्षत का एक डार्क साइड भी सामने आता है एंड इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। बीच में बुक काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है इस वाली बुक में, वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्या है ट्रेजेडी इस बुक में, बट कहीं ना कहीं ये एक बुक ऐसी है विच टेल्स यू अबाउट लव रिलेशनशिप एंड बिट्रेल्स। मेरे को ये बुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, टाइम का भी पता नहीं चला कब मैंने बुक को फिनिश ऑफ कर दिया एंड ये बुक आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी एंड ये एक काफ़ी अच्छी बुक है। इनफैक्ट मैं तो बहुत टाइम से ये बात भी बोल रहा हूँ कि आजकल बॉलीवुड मूवीज़ देखने से अच्छा है आप ऐसी फिक्शन बुक्स को पढ़ लो, आपको सस्ती भी मिल जाती है एंड दूसरी बात क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी ज़्यादा रियलनेस होती है एज़ कम्पेयर टू जो बॉलीवुड मूवीज़ होते हैं। खैर एट द एंड ऑफ द डे वो हर एक की अपनी चॉइस है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, बट एक ऐसी नॉवल है ये जिसमें रोमांस भी है, फ्रेंडशिप भी है, बिट्रेल भी है, इसके अलावा कॉलेज हॉस्टल लाइफ भी दिखाई गई है एंड और अलग अलग जो टेंजेंट्स होते हैं किसी भी एक टीनेजर की लाइफ में, ये जो भी एक यंग इंसान जो कॉलेज में आ रहा है उसकी लाइफ में जो भी अलग अलग टेंजेंट्स होते हैं, अलग अलग जो भी उनके लाइफ के फेजेस होते हैं वो भी सब इसमें दिखाए गए हैं। कार्तिक का जो एक ट्रोमेटिक पास्ट है वो भी दिखाया गया है। तो ये वाली बुक काफ़ी अच्छी लगी मेरे को एंड आप लोगों को भी ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं इस बुक को रेटिंग दूंगा 4 out of 5 stars। ये बुक काफ़ी अच्छी थी, हालांकि मेरे हिसाब से कुछ कुछ जगह मेरे को ऐसा ज़रूर लगा कि इस बुक को थोड़ा और एनहेंस किया जा सकता था, एंडिंग जो है थोड़ी और अच्छी हो सकती थी, बट कोई ऐसी बात नहीं है, ओवरऑल ये बुक काफ़ी अच्छी है एंड आप अगर इसको उठाओगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। आपका इस बुक के बारे में क्या कहना है, क्या आपने बुक पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको ये बुक कैसी लगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।